बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्लीव डिज़ाइन की न्यू वीडियो के साथ वेलकम टू माय चैनल एलिशा डिज़ाइनिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्लीव्स का कपड़ा मैंने पहले ही निकाल लिया था। हमारे स्लीव्स की जो लेंथ है 20 इंच है, आप देख लें आपकी जितनी भी लेंथ हो आपने उसमें से 3 इंच कम लेना है। 3 इंच हमने यहाँ पर ये पट्टी लेनी है। टोटल इसकी लेंथ हमने 3.5 इंच लेनी है। 1/2 इंच जो होगा वो सिलाई के लिए लेंगे हम, और लेंथ जो है वो आप अपने नाप के हिसाब से अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी हमारे पास यहाँ पे बचा है 17 इंच, तो 3 इंच की आगे पट्टी आ जाएगी और 17 इंच यहाँ पे ये हमने बैक साइड पे स्लीव लिया है। इस तरह से 1/2 इंच हमने सिलाई के लिए आगे छोड़ना है और 1/2 इंच पीछे की साइड छोड़ना है, मतलब दोनों साइड से 1/2 1/2 इंच हमने सिलाई के लिए छोड़ना है। अब यहाँ पर हमने पहले ही 4 इंच पर इस तरह से कट लगा लिया था। आप अपने स्लीव्स का कपड़ा लें और 4 इंच की चौड़ाई तक निशान लगाएं और इस तरह से सेंटर से कपड़े को अलग कर लें और इस तरह कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखें ताकि जब आप सिलाई लगाएं तो जो कपड़ा कम हो वो पहले से सिलाई के मार्जिन में हम ले चुके हों। इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और फ्रंट से हमारा यहाँ पे 8 इंच आ रहा है। आगे से बाजू खुला तो हम आगे से 8 इंच ही लेंगे और बैक साइड से हमारा जितना शोल्डर का नाप है हम उस हिसाब से लेंगे। आप अपने स्लीव्स का मार्जिन देख लें और ये वाली जो पट्टी है ये हमने आगे से स्लीव्स को 8 इंच लिया है, तो पट्टी को हमने 2 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमने इस पर पिंटिक्स डालनी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे वो पिंटिक्स में एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पीछे हमें जितना शोल्डर चाहिए अपने नाप के हिसाब से निशान लगा के काट लेंगे। बैक साइड से हमने स्लीव्स को काट लिया है शोल्डर से। अब मैंने यहाँ पे सेंटर से जितना खुला रखना है अपने स्लीव्स को रखूँगी और जो एक्स्ट्रा होगा वो काट लूँगी कपड़ा। इस तरह से अब यहाँ पे स्लीव्स के सेंटर में जो कट लगाया है यहाँ पर हम सीढ़ी लेस लगाएंगे। ये बाज़ार से आपको पता है आसानी के साथ मिल जाती है क्योंकि इस तरह की लेसेस का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ये हमने यहाँ पे सेंटर में भी लगानी है स्लीव्स के ये वाले जो कट लगाया है और यहाँ फ्रंट पे भी लगानी है। आगे आपको पता है हमने ये पट्टी लगानी है इस तरह से और पट्टी पे हमने इस तरह से तिरछी पेंटिक्स डालनी है। और ये चीज़ आपको पहले भी बताई है, फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं कि स्लीव्स हमारे जो हैं फ्रंट से 8 इंच हैं, तो ये वाली जो पट्टी है 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेनी है। मैंने यहाँ पे स्लीव्स की जो जहाँ पे लंबाई थी 8 थी, तो मैंने जो पिंटिक्स वाला कपड़ा लिया है पट्टी ली है वो 2 इंच एक्स्ट्रा ली है, 10 इंच ली है। इस तरह से देखें आप, यहाँ पे मैंने ये पट्टी ली है, इसको इस तरह से तिरछा फोल्ड करूँगी और बिल्कुल इसके किनारे पे रख के सिलाई लगाऊँगी। बारीक सी पिंटिक्स डालनी है। अब यहाँ पर ला के हमने इसको वापस मोड़ना है इस तरह से नाप करके, क्योंकि हमने क्रॉस में पिंटिक्स डालनी है तो हम पहले एक साइड वाली पिंटिक्स डाल लेंगे उसके बाद हम दूसरी साइड से डालेंगे। एक साइड पे यहाँ पे मैंने इस तरह से पेंटिक्स डाल ली हैं। अब इसके ऑपोजिट मैंने डालनी है, ये देखें इस तरह से यहाँ पे क्रॉस का निशान बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सिलाई लगाते हुए, ये बिल्कुल एक जैसी आनी चाहिए। अब इसी तरह से हम बाकी की भी लगा लेंगे सारी।
ये देखें यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में हमने पिंटिक्स डालनी है इस पट्टी पे। अब यहाँ पे इस पे हमने आगे पाइपिंग लगानी है। आप सिंपल अगर ये नहीं लगाना चाहते, हमने कपड़ा लिया है इसी के नाप का और यहाँ पे इसमें डोरी डाल के पाइपिंग बनाई है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप सिंपल बाज़ार से जो बनी हुई पाइपिंग होती है वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल जैसे पाइपिंग लगाते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे ये पाइपिंग लगाई है। अब देखिए इसको प्रेस कर लिया है। अब दूसरी साइड पे ये इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा जो है दोनों आपस में कवर हो जाए। इस तरह से आप इसको साइड पे रखना है हमने, और जो स्लीव्स हैं वो लेने हैं, और जो सेंटर में उसका कट लगाया था वहाँ पे हमने सीढ़ी लेस लगानी है। मैंने ये सीढ़ी लेस ली है, कपड़े को तिरछा रखा है और इसके ऊपर मैंने लेस को रखना है इस तरह से। और आपको पता है सीढ़ी लेस के साइड पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है वहाँ पे मैंने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। और स्लीव्स के ये सेंटर का पार्ट है तो इसकी दूसरी साइड पे भी मैंने सेम वैसे ही लेस लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे मैंने लेस लगा ली है। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे और सीधी साइड पे भी मैं सिलाई लगा लूँगी दोनों साइड पे। इस तरह से सेम वैसी ही मैं दूसरी साइड से भी लगा लूँगी। दोनों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे इसके जो सेंटर वाले पार्ट हैं वो लेने हैं मैंने और इसके साथ अटैच कर देने हैं सेम वैसे ही जैसे मैंने एक साइड पे सीधी लेस लगाई है। इस तरह से रखूँगी, बिल्कुल लेस के किनारे पे हमने सिलाई लगानी है। अब इसको सीधा करेंगे और सीधी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हमने ये साइड वाला पार्ट रखना है लेस पे और सिलाई लगा लेनी है जैसे हमने यहाँ पे लगाई है। आप देखिए दोनों साइड पे हमने ये लेस लगा ली है और स्लीव्स की यहाँ तक लुक जो है वो इस तरह से आई है। अब यहाँ फ्रंट पे हमने लगानी है तो फ्रंट पे भी सेम हम वैसे ही कपड़े को सीधा रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर सीधी लेस रखेंगे और बिल्कुल इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। इसको भी सेम वैसे ही हम सीधा करेंगे और सीधी साइड पे भी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ताकि लेस और कपड़ा जो अच्छी तरह बैठ जाए। यहाँ पे देखें इस तरह से ये जो ऊपर वाली सिलाई लगाते हैं इससे कपड़ा जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आता है सिलाई के साथ। अब यहाँ पे ये वाली फ्रंट वाली पट्टी ली है हमने, ये रखनी है और बिल्कुल जो आगे हमने सीधी लेस लगाई है उसके किनारे पे सिलाई लगानी है। और पट्टी को हमने दोनों साइड से आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से इसको भी सीधा करेंगे पट्टी को भी और बिल्कुल इसके किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब आप देखें यहाँ पे हमने पट्टी के दोनों साइड से हाफ हाफ इंच जो एक्स्ट्रा लिया था इस तरह से फोल्ड करना है हमने स्लीव्स को इस तरह से। और यहाँ पे ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने तिरछा काटना है फ्रंट से इस शेप में, तो आपने दोनों साइड से हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा ही लेना है। यहाँ पे ये वाली जो हमने पिंटिक्स डाली है यहाँ पे मैंने बीट्स लगाने हैं और फ्रंट पे भी, तो उसके बाद इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। अब देखें यहाँ पे इस तरह से पिंटिक्स के सेंटर में मैंने बीट्स अटैच कर दिए हैं और फ्रंट पे आप देख सकते हैं ये बीट्स लगाए हैं मोती लेके, इनका डिज़ाइन बनाया है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और स्लीव्स की जो फाइनल लुक है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखें दूसरे स्लीव्स भी बना लिए हमने और उसके सेंटर से सिलाई लगा ली हमने।
तो देखिए आप यहाँ पे इसकी जो लुक है इस तरह से आई है, ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अगर आपको स्लीव डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी मिलेंगे न्यू वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।